जिंदाबाद। चले हैं तरीकत वाले, पांच अंगूठी इसमें, पांच अंगूठी इसमें, लंबा यहाँ औरतों की तरह बाल, और मस्तान बने फिर रहे, न रोजा न नमाज न हज न ज़कात कुछ। और कौन है? तरीकत वाले। सबने पूछा, बाबा नमाज पढ़ लीजिए। नमाज तो मैं मक्के में पढ़ के आया, तू गौस पाक से बड़ा हो गया। वो तो बगदाद में पढ़ते थे, तू मशरक के छौछे में पढ़ते थे, और तू सालमारी में रह करके मदीना जाता है पढ़ने, मक्का जा जा। तरीकत के नाम पे धब्बा है। रात में मौलवी बन जाता हूँ और सुबह होते ही पीर हो जाता हूँ। ये शोबदाबाज है, याद रखना, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और अगर किसी को वली बना दे तो उसे जाहिल नहीं रहने देता। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, उसे इल्मे लदुन्नी अता कर दे। वाह 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 वाह। तो ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला, लेकिन ये संभव है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। माशाल्लाह, बिल्कुल जिंदगी के साथ। ए ईमान वालों, ईमान ले आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन, ओ बिलीवर्स डू बिलीव। ए मुसलमानों, मुसलमान बन जाओ, जो चाहो तर्जमा करो। ए ईमान वालों, ईमान ले आओ। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में, ऐ ईमान वालों, ईमान में। अगर रमजान में कोई हाफिज कुरान कुरान पाक सुनाए और इतना अच्छा सुनाए, इतना अच्छा सुनाए कि लुकमा तो बड़ी बात है, हिचकी की भी गुंजाइश ना हो, और 27 रमजान को मुसाफा करते वक्त उनसे मुतवल्ली साहब कहें, ए हाफिज जी हिफ्ज़ डंडे से मारेंगे, कहेंगे कम से कम यार आप तो ना कहीं आपने तो पूरा कुरान मेरे पीछे सुना। किसी ने पेट भर के खाना खाया और इतना खाया कि गर्दन तक खा लिया, उससे कोई कहे कि ये पेट भर के खाने वाले खाना खाओ, सारा खाना तुम्हारे मुंह पे उड़ेल देगा। इसी को फलसफे की जबान में तहसीले हासिल कहते हैं कि जो चीज पहले से हासिल है उसे हासिल करो। कोई अपने मकान में रह रहा हो और उससे कोई कहे ऐ मकान में रहने वाले मकान में रहो, तो समझेगा ना कि ये कैसा मजाक कर रहा है, तो फिर बात क्या। जब एक हाफिज कुरान से हम ये नहीं कहते कि हिफ्ज करो, किसी मुफ्ती से ये नहीं कहते कि मदरसे में एडमिशन लो, किसी पेट भर के खाने वाले से ये नहीं कहते कि खाना खाओ, तो अल्लाह ने ईमान वालों से क्यों कहा ईमान? वाह वाह। जाहिर है अगर हम ईमान वाले ना होते तो अल्लज़ीना आमनू ना फरमाता, यानी दोज़ हू बिलीव, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, मुखातब ही ईमान वाले। तो जब हम पहले से ईमान वाले हैं तो फिर किस ईमान की दावत हमें दी जा रही है? बात समझ में आ रही है? मैं कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की जिन्नाती भाषा बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज हो और ऐसी तफहीम हो कि जिसका काम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खेत में जरई बोना है वो भी समझ जाए कि बात क्या की जा रही है। लेकिन बस आंख खोल के सुनना पड़ेगा, कनवा खोल के आंख खोल। मैं जानता हूं कि 12 के बाद जो है वो आंख बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है, तो आप अपना मुंह खोलें मगर सोने के लिए नहीं, नबी की याद में खोने के लिए। हाँ बहुत अच्छे अच्छे ईमान वालों, ईमान मतलब कि ईमान वाले तो हो। जाहिर है कि अगर ईमान वाले ना होते तो ईमान वाला कहां ना जाता,
और ईमान वाला उसी को कहते हैं जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखे, हुजूर की रिसालत पर ईमान रखे, अल्लाह की सारी आसमानी किताबों पर ईमान रखे, उसके सारे फरिश्तों पर ईमान रखे, जन्नत और दोजख की सच्चाई पर ईमान रखे, कयामत के दिन पर ईमान रखे, हश्र नश्र पर ईमान रखे, वो कौन है ईमान? जोर से बोलिए, ईमान वाला। उससे कहा जा रहा है कि ईमान वाले ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। इसकी कई एक तौजीह है। मेरा जी चाह रहा है कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी करते हुए थोड़ी सी खानका ही बात हो जाए। सूफिया कराम फरमाते हैं कि यहां दो खास चीजें काबिल गौर है, एक वो जो आमनू में ईमान है और दूसरा वो जो आमेनू में ईमान। पहला जो ईमान है उसका ताल्लुक शरीयत से है, किससे है? जोर से बोलो, शरीयत से। और दूसरा जो ईमान है उसका ताल्लुक तरीकत से। मतलब ऐ शरीयत पर अमल करने वालों, अब तरीकत पर भी अमल करो। ऐ शरीयत वालों, तरीकत वाले भी बन जाओ। ऐ नमाज रोजा हज ज़कात सबको फॉलो करने वाले, किसी मुर्शिद का दामन भी था, किसी सच्चे का साथ भी पकड़ लो, किसी सिलसिले से जुड़ जाओ। शरीयत वाले तो हो गए हो, तरीकत वाले कुछ पल्ले पड़ो, ट्राई कीजिएगा। ये कोई जिन्नाती भाषा बिल्कुल नहीं है। आइए एक कदम और आगे बढ़ो, इसी को और क्लियर करता चलो। मौलाना मुनाजिर साहब बैठे हैं, शरीयत और तरीकत, नाम सुना है आपने शरीयत तरीकत का? ऐसे क्या कर रहे हैं, मुंह से बोलिए। नाम सुना है? शरीयत और इधर इधर मेरी तरफ, जुमला हिल गया तो सब हिल जाए। मनातिका की नुक्ते नजर से अगर देखा जाए मंतिकियों के, तो शरीयत और तरीकत में आम खास मुतलक की नस्बत है। बाज ने मिन वजहिन भी कहा है, लेकिन मैं उसे बेहतर नहीं समझता। उमूम खुसूस मुतलक, इसकी नस्बत। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला है, लेकिन ये असंभव है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना। समझिए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो हो सकता है कि मौली साहब मदरसे से पढ़ के आए, मदरसे की रोटी खाया है, लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया। लेकिन ये नामुमकिन है कि किसी ने खानकाह का दलिया भी खाया हो, मारफत का जाम भी पिया हो और इल्म दीन हासिल ना। क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद। चले हैं तरीकत वाले, पांच अंगूठी इसमें, पांच अंगूठी इसमें, लंबा यहाँ औरतों की तरह बाल, और मस्तान बने फिर रहे, न रोजा न नमाज न हज न ज़कात कुछ। और कौन है? तरीकत वाले। एक साहब ने पूछा, बाबा नमाज पढ़ लीजिए। कि नमाज तो मैं मक्के में पढ़ के आया, मक्के में पढ़ के आया। हमने कहा, यार ये कौन सी नमाज है? क्या तू गौस पाक से बड़ा हो गया है? वो तो बगदाद में पढ़ते थे, गरीब नवाज अजमेर में पढ़ते थे, मखदूम अशरफ के छौछे में पढ़ते थे, और तू सालमारी में रह करके मदीना जाता है पढ़ने, मक्का जा जा। ऐसे भी तरीकत वाले हैं। ये तरीकत के नाम पे धब्बा है, याद रखना मुसलमान। एक बात कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ताल्लुक दोनों बिरादरी से है, शरीयत वालों से भी, तरीकत। मैं रात में मौलवी बन जाता हूँ और सुबह होते ही पीर हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह। और हर समझदार पीर सिन्नी देख के ही फातिहा करता है। भैया जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा, जैसा सुनोगे वैसे ही सुनाऊंगा। ऐसे तरीकत, ये शोभदाबाज है, याद रखना। अल्लाह अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। बेशक बेशक, किसी जाहिल को वली ना। जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, ज्यादा पीछे नहीं हो, इतना बड़ा मजमा नहीं है। किसी जाहिल को अल्लाह
नहीं बनाता, वली नहीं बनाता। और अगर किसी को वली बना दे तो उसे जाहिल नहीं रहने देता। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, उसे इल्मे लदुन्नी अता कर दे। वाह 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 वाह, तो ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है तरीकत वाला नहीं, कि बंदा मौलवी है सूफी नहीं, लेकिन यह संभव है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। और एक होता है जानना और एक होता है पहचानना। यह तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है पहचानता नहीं, वाह, लेकिन यह संभव है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता। ये सब वो बातें हैं जो मदरसे में लोग 12 बजे दिन में नहीं समझते, आप माशाल्लाह 12 बजे रात में समझते हैं। बहुत अच्छे। ये तो मुमकिन है कि बंदा आलिम है आरिफ नहीं, आलिम है क्या नहीं है आरिफ नहीं, लेकिन ये असंभव है कि कोई आरिफ हो और आलिम नहीं। तो ये तो हो सकता है कि मौलाना जानते हैं कि अल्लाह एक है, वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मगर पहचानते नहीं। सूफी वो है जो अल्लाह को पहचानता है। तो मतलब साफ, जो तर्जमा चाहो समझो, अल्लाह पाक ये फरमा रहा है, ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी ऐ शरीयत पर अमल करने वाले तरीकत पर भी अमल कर। हाँ, अल्लाह को जानने वाले अल्लाह को पहचानना भी शुरू करो। वाह, ये मफाहीम है इसके। मगर इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने जो कहा है, बस उसी पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, चाहे इब्न जरीर तबरी हो, चाहे कुर्तुबी हो, चाहे इमाम जलालुद्दीन सय्यूती हो, दुर्रे मंसूर के मुसन्निफ हो, ये सब ने क्या कहा है कि ऐ ईमान वालों, तवज्जो चाहूं, ऐ ईमान वालों, ईमान ले, ईमान ले, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ। क्या बन जाओ, जोर से बोलो, शर्माओ नहीं, क्या कहा मैंने, मोमिने कामिल बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ, यानी मोमिने कामिल बन जाओ, मतलब ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम 1200 साल मारी और इस इलाके की जगहों पे चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलना फिरता इस्लाम। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर गाजी ए मिल्लत, नबी रे हुजूर मुहद्दिस ए आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात शरीयत तरीकत की चल रही थी, एक मिसाल और याद आ गई, मेरे बड़े अब्बू की, हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हाफिज़हुल्लाह, एक मिसाल बड़ी प्यारी देते, कहते हैं शरीयत गोया सर के बाल की तरह है। किस तरह है, पीछे वाले कसम खा के बैठे, चलो चलो, सर के बाल की तरह है। किसकी तरह है, और तरीकत नाम है उसमें, जो बाल को झाड़ करके जो मांग निकालते हैं, लाइन जो बनाते हैं, क्या कहते हैं आप, मांग, उसका नाम तरीकत है। क्या है, तो ये तो मुमकिन है कि सर पे बाल है लेकिन मांग नहीं, मगर क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो। तो ये तो हो सकता है कि मौली साहब हैं सूफी साहब नहीं, लेकिन सूफी साहब हो और मौली साहब हो, ये मुमकिन नहीं है। तो पक्के मुसलमान बन, और पक्के मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि अल्लाह से डरो। यू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह, इफ यू डोंट हैव ए फियर ऑफ अल्लाह यू वॉन्ट बी एबल टू बिकम ए सक्सेसफुल परफेक्ट मुस्लिम। नो, यू कांट, नहीं हो सकता। अल्लाह का डर बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, डर समझते हो ना, भय, भय समझते हो। बंदा जिससे जितना डरता है, तवज्जो चाहूंगा,
अगर ये बात पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। ईमानदारी से बताना, अगर आप कहीं पर हैं किसी मैदान में और एक काला काला सांप फन खोल के आपके सामने आ जाए और हाथ में डंडा उंडा कुछ ना हो, क्या करोगे? बोलो, भागोगे। क्यों? क्योंकि वो डर है कि अगर नहीं भागा तो ये डस लेगा, काट लेगा। वो डर भरा खौफ भरा। अगर किसी ने सामने बंदूक तान दी, क्या करोगे? जान बचाने के लिए भागोगे। कहीं आग जल रही है किसी कमरे में और तुम उसके आसपास हो तो क्या करोगे? बोलिए, भागोगे। यानी जहां खतरा है वहां आदमी टिकता नहीं, जहां भय हो वहां से भागता है। तो हर डराने वाली चीज ऐसी है जिससे बंदा डर के भागता है। लेकिन सिर्फ कटिहार वालों से अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना अनमोल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुसाफत जलसे के बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना उसके करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। उससे डरना शुरू करो। जितना डरते जाओगे उतना उसके करीब, और जो जितना करीब हो वो उतना बड़ा हबीब होता है, और जो सबसे ज्यादा करीब होता है वो सबसे बड़ा। आज प्रॉब्लम जानते क्या है हमारा? बहुत बहुत किस्मती से कहना पड़ रहा है कि आज हमने अल्लाह के अलावा सबसे डरना शुरू कर दिया। बस अल्लाह से हमने डरना छोड़ दिया। हमें अल्लाह के अलावा हर चीज से डरना। पुलिस से डर लगता है, जानवर से डर लगता है, मौत से डर लगता है, आग से डर लगता है, बंदूक से डर लगता है, खतरनाक जानवरों से डर लगता है, खाली अल्लाह से डर नहीं लगता। हमेशा मुसलमान, हमें क्या होना चाहिए और हम क्या हो? इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कहा है ईमान वालों ईमान ले, यानी पक्के मोमिन बन जाओ। यानी अगर चाहते हो कि लोग तुमसे डरे तो अल्लाह से डरना शुरू करो। जितना जितना तुम अल्लाह से डरते जाओगे कामयाबी की सीढ़ियां तय करते जाओगे। याद रखिए, हम लोग जो कहा ना कि ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, मैं इसी पर्सपेक्टिव में ये बात कह रहा हूं। बदकिस्मती से अक्सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद से ये दुनिया कायम है, वो अल्लाह वाले मेरे सर का ताज है। लेकिन 95% आज हमारा हाल ये है कि हम लोग नाम के मुसलमान हैं। क्या है? काम के नहीं। अंग्रेजी में कहा जाए तो हम लोग एक्टिंग मुस्लिम है, प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं। हम लोग इसलिए मुसलमान हैं, बुरा लगे तो माफ कीजिए, हम लोग इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान थे, इसलिए हम लोग मुसलमान। हम जब पैदा हुए तो हमारे कान में अजान दी गई थी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम जब हमारे अब्बा दादा ने रखा तो उर्दू फारसी और अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था। इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है जब तक कि माना शिर्किया या कुफ्रिया ना। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद के दिन समय खाना नहीं छोड़ते, रबी अव्वल में सबील पीना नहीं छोड़ते, मुहर्रम में खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और शबे बरात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई।
अब इससे ज्यादा बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ, खतना हुआ है, हम लोग मख्तून हैं, इसलिए मुसलमान। और बताओ इजाजत है, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम पहनाते ज्यादा। वो बंबई की जबान में कहते ना, आज हमने इतने हजार लोगों को टोपी पहना दी, यानी उल्लू बना दी। हम टोपी पहनते कम पहनाते ज्यादा। हम इसलिए मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक दिन अल्लाह के घर में जाते हैं, और उस वक्त जाते हैं जब खतीब मेंबर पर होता है, और दो रकअत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है बारसोई से ट्रेन छूट रही है। हम इसलिए मुसलमान, इससे ज्यादा हमारे अंदर कुछ नहीं। आज हमारी जुबूहाली ये, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग कोई त्योहार नहीं छोड़ते। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा गया। यानी जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है ना अल्लाह का डर है, उसका रहना क्या रहना, उसका जाना क्या जाना, अगर वो मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा गया। यानी वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, मुसलमान नहीं। तवज्जो रहे, उन्हीं की तरह कुर्ता पैजामा पहनते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, उन्हीं की तरह मुसलमानों के कस्टम को अपनाते हैं, उन्हीं की तरह निकाह करते हैं, उन्हीं की तरह नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमानों की कॉपी करते हैं, मुसलमान याद रखना। हाजी नगर वालों और आसपास के कुर्बो जवार वालों, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने मुस्तफा की आंखों में आंखें डाल के जलवे यार देखा हो, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बद्र उहद खैबर व खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया, हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता हो, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में खुशबू अजान दे दी हो, हम वो मुसलमान नहीं जिनका पारो चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कदमों में चाबी रख दे, हम वो मुसलमान नहीं है जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता हो, हम वो मुसलमान नहीं है जिनके तसव्वुर से किसरा और कैसर की ताकतें लर्जा बरंदाम हो जाती हो, हम वो मुसलमान नहीं है मेरे दोस्तों जिन्होंने बद्र हुनैन के मैदान में, तवज्जो चाहूंगा, बद्र हुनैन के मैदान में अपने रिश्तेदारों से लड़ाई लड़ी और लड़कर ये फैसला सुना दिया कि सुन रिश्तेदारी और है मुस्तफा की वफादारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, नबीरे हुजूर मुहद्दिस आज़म हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने सिर्फ सदाए अर-रहील सुना, मुस्तफा के लब से अर-रहील की सदा सुना, अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर सुहाग रात ही में बीबी को छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में उतर के अपने प्राणों की आहुति देती हो, हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर गए, हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए नील की
दरियाए नील की रवानी को सिर से खत एक पत्थर लिखा था, रवानी का मिजाज बदल गया। हम तो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के लिए साद ने अभी वकास की कमान में जब सफर शुरू किया और सामने दरियाए दिजला आई, दरिया उफान पे थी, लहरें अपनी तुगयानी में थी, मगर कुर्बान जाओ उन सरफरोशों की सरफरोशी पर, न देखा आओ न देखा जाओ, अपने घोड़ों को उस बहती नदी में उतार दिया और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे नारे तकबीर नारे रिसालत, बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए कहा गया है ईमान वालों, नींद आ रही क्या? कहा गया है ईमान वालों ईमान ले आओ, ऐ मुसलमानों मुसलमान बन जाओ, अब ये मुसलमान होने का नाटक छोड़ो और ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा हो, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा हो। आज से लगभग 100 साल पहले 1924 तक पेरिस के एक मुसन्निफ है, मुसलमान हो गए, उन्होंने अपने इस्लाम लाने की वजह बयान की कि मैं इसलिए हुआ कि मैंने पढ़ा किताबों और देखा लोगों को, आज से 100 साल पहले हुए कि 1924 से पहले दुनिया का कोई मुसलमान झूठ नहीं बोलता था। यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछना कि उनके दादा कैसे थे। झूठ गीबत करना धोखा देना वो तो बहुत बड़ी बात है, झूठ नहीं बोलता। शराब वराब पीना ज़िनाकारी तो तसव्वुर में भी नहीं थी, झूठ नहीं बोलता था। उसने लिखा कि मैं ईसाई था और मैं देखता था कि मुसलमान हमेशा सच बोलते थे, चाहे नुकसान हो जाए सच का दामन नहीं छोड़ते थे। उसने ये भी लिखा कि हमारी अपनी ईसाई कम्युनिटी में अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा सच बोले, ईसाइयों में अगर कोई बहुत सच बोले तो उसको ये कह के लोग ताना देते थे, क्या बात है भाई बहुत सच बोल रहे, मुसलमान हो गए हो क्या? ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 साल पहले। कई साल पहले? 100 साल पहले। और आज अल्लाह मुंह न खुलवाए इस बारे में जो सबसे ज्यादा झूठ बोले हो, जो सबसे ज्यादा धोखेबाजी करे वो हम। इतना खूबसूरत दीन तुम्हें मिला है, खैरे उम्मत का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सरों पे रखा है, तुम्हें तमाम उम्मतों की खैरियत का ताज तुम्हारे सर पर किया और तुम इतने गिर चुके हो कि तुम्हें देख के खैर कहते हैं कि अगर मुसलमान ऐसे हैं तो समझ जाओ इस्लाम कैसा हो, और शिकायत ये करते हो कि हमें यहाँ सताया जा रहा है वहां रुलाया जा रहा है, क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, अल्लाह से छोड़ दिया। याद रखना, हजरत ख्वाजा उवैस करनी का नाम सुना है रजी अल्लाह अन्हु, अभी दो दिन पहले उन्हीं की नियाज हुई थी घरों में, हलवे में जो होती शबे बरात के ये आलम का वैसे करनी का सरकार की सुन सुन के खबर झूठ। जंगल में इबादत कर उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही थी और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा। भेड़िया लकड़ बग्घा क्या कहते हैं आप? कुछ कहते हैं या हम खाली मुंह खोलते हैं? अरे वो जो नोकीले दांत वाला होता है भेड़िया, वो सियार का भी बाप होता है। जयकॉल यानी सियार, अंग्रेजी में भेड़िये को हाइना कहते हैं। क्या हाइना? बात समझ में आई? भेड़िया
भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर। हमें शेर होता ना तो मैं यकीन कर लेता कैसा हो सकता, क्यों? क्योंकि शेर जितना खूंखार है उतना ही खुददार भी है। शेर अगर पेट भर के खाना खा ले ना, शिकार कर ले, तो दो तीन दिन तक उसकी ऐसी मस्ती रहती है कि आप शेर के पास बैठो, उसके साथ चलो फिरो, वो कुछ नहीं करेगा। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जाती तजर्बा। जब मैं जिम्बाब्वे गया, जम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे जंगल था, शेर को जब खिला पिला दिया गया तो मैंने, मुझे मालूम था कि शेर खाने के बाद मस्त हो जाता है। मैंने कहा रेंजर से तुम्हारे पास बंदूक है? ना। मैंने कहा चलो इसके साथ वॉक करते हैं। तो शेर की पूंछ पकड़ के मैं 500 मीटर तक चला। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। वाह वाह, सबके बस का रोग नहीं है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों, भेड़िया जो है वो ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले इतना टाइट, और सामने बकरी दिख जाए या मुर्गी दिख जाए या कोई भी जानवर दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए। और यहाँ मंजर है, खाजा को वैसे इबादत कर रहा, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा। एक राहगीर का गुजर हुआ मुसाफिर का, उसने जब ये ऐसा अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल माइंड ब्लोइंग ऐसा मंजर देखा तो रहा नहीं गया, पूछा बाबा ये क्या? आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो सभी, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैसे करनी ने सर उठा के कहा, तू मेरी बात करता है, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी डर नहीं? पहले मैं इस भेड़िए से डरता, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। सुन, जब तक लग रहे समझ में आ गया, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब जब मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर काजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इलाके के गयूर सुन्नी मुसलमान, अगर तुम चाहते कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते कि हमारे खूबसूरत देश भारत की अमन और शांति को भंग करने वाले हमसे कपकपाएं, अगर तुम चाहते कि हमारे भारत की गंगा जमुनी सभ्यता को कुचलने वाले ऐसे असामाजिक तत्व हमसे कपकपाएं, अगर तुम शौकते इस्लामी में इजाफा करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, बस बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। आज हम इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। और अल्लाह से डरने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हजरते सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग मुझसे बहुत नारे वाली तकरीर रेस्पेक्ट कर रहे हैं उनसे बड़ी माफ़ी है, बहुत किया मैंने, यूट्यूब पे सुन लेना। इस वक्त कौम का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने दिल में इन बातों को, और नारे वाली तकरीरें जो होती है सुना और एक घंटे में भूल गए क्या कहा, वो जाके यूट्यूब पे सुन सकते। तवज्जो है आपको, पूरी जिंदगी के साथ, पूरी जिंदगी के साथ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि 24 घंटा ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम 24/7 अराउंड द क्लॉक, हर वक्त वो देख रहा है। जब तुम चलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, बोलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस ये सोचते रहो कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अगर तूने अपनी जिंदगी को
इसी रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। मसलके आला हजरत साजादे हुजूर गाजी मिल्लत फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज आप लोगों को मसलके गौसे आजम मसलके गरीब नवाज वो सुना रहा ताकि दिल मदीना बन जाए। इनके अकवाल क्या है जिनसे हम फिर चुके हैं? ये फरमाते हैं कि बस ये तसव्वुर करो कि अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह देख रहा अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर। हाथ रखकर ईमानदारी से बताओ कि अगर तेरा ये ईमान है कि अल्लाह देख रहा है, कभी शराब की बोतल को हाथ लगाओगे? जैसे ही लगाओगे आवाज आएगी छोड़ दे अल्लाह देख रहा, न तू बदनजरी करेगा, न तू बेहयाई करेगा, न तू खानदान का नाम डुबोएगा, न तू गुनाह करेगा, बल्कि जब जब तेरा कदम गुनाह की तरफ बढ़ेगा तेरे दिल से आवाज आएगी मत कर अल्लाह देख रहा। आज हमारा ये अकीदा कमजोर हो चुका है, हम मानते हैं कि अल्लाह देख रहा है मगर मानना चाहते नहीं, इसीलिए तो हम उल्टी सीधी हरकत करते हैं क्योंकि हम ये मानना ही नहीं चाहते कि अल्लाह देख रहा। इसलिए अल्लाह पाक ने कहा ईमान वालों ईमान, तुम पक्के मुसलमान नहीं हो मुसलमान बन जाओ। कहने सुनने को तो बहुत खुश था मगर अब मैं एक कदम और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का नाम जाने ईमान, तो अगर जाने ईमान की बात, फजले रहमान की बात, अपने अपने सबसे प्यारे दुनिया के सबसे प्यारे इंसान की बात अगर वो ना की जाए तो बड़ी बेअदबी हो जाएगी। ऐ ईमान वालों ईमान, यानी मोमिने कामिल बन जाओ। क्या बन जाओ? इधर वाले बोलो क्या बन जाओ, एक बार पीछे वाले भी बोल दो क्या बन जाओ, मोमिने पक्के मुसलमान बन जाओ। हजरत अबू हुरैरा बल्कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मोमिन कामिल बनने की पहचान ईमान का कमाल क्या? तो सरकार फरमाते हैं सुन, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैहि मिन वलदिहि व वालिदिहि व الناس اجمعين, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये है ईमान का कमाल। तफसील में जाने का मेरे पास वक्त नहीं है, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, और मैं उस औलाद से ज्यादा जिसकी उंगली को पकड़ पकड़ के तूने उसे चलना सिखाया, जिसके एक चीख से तेरी बेचैनी बढ़ जाए कि मेरा बेटा रोया क्या, वो औलाद जिसकी एक खुशी के लिए तूने अपने खून को पसीने की शक्ल में बहाया, वो औलाद जिसके नेक और अच्छे भविष्य के लिए तूने सारी मेहनत की। अगर पक्का मुसलमान बनना तो अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत कर, तब जाके मोमिन कामिल होगा। ये थोड़ी ना कि जैसे अल्लाह का घर मस्जिद है ऐसे ही रसूलुल्लाह का घर मदरसा। हम दावा करें कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बच्चों के लिए 1,000 रुपया दे देंगे लेकिन रसूल के मदरसे के लिए बड़ी मुश्किल से 100 रुपया भी ना निकले, ये भी कोई मोहब्बत? आज हमारी हालत ये है, इदारा आपको बढ़ बढ़ कर आवाज दे रहा है कि ये किसी अब्दुल्ला का घर नहीं रसूलुल्लाह का घर। अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो जितना अपनी औलाद के लिए करते हो उससे ज्यादा मुस्तफा, तब तुम मुसलमान हो वरना से नाम के। और अपने माँ बाप से, अरे वो बाप
जिसने अपने खून को पसीने की शक्ल में बहा बहा के तुझे जवान किया, वो बाप जिसने जिसने तेरी उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, तेरे कान में कलमे तौहीद का नगमा सुनाया, वो बाप अल्लाहू अकबर, वो बाप जिसने तुझे अपनी छाती पे सिलाकर लोरियां सुनाया, जिसने अपनी जवानी को तुझे जवान करने के लिए त्याग दी। अगर पक्का मुसलमान बनना तो अपने बाप से ज्यादा रिसालत आप से मोहब्बत कर, ये है ईमान का कमाल। ये थोड़ी ना कि रात में छुप छुप के मोबाइल चलाओ और ये भूल जाओ कि अल्लाह तवज्जो मां से, वो मां मेरे दोस्तों में अपनी मां बहनों की तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे जो मुस्तकिल चू 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 कर रही हैं। झूठों का मुकाबला हुआ था और ये तय हुआ था कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उससे प्रथम पुरस्कार मिलेगा, तो मालूम है किस झूठे को मिला? उस झूठे को मिला जिसने ये झूठ बोला कि मैं एक महफिल में गया था, चार औरतें बैठी थी और चुप थी। ये तो असंभव, मछली पहाड़ पे चढ़ सकती है मगर चार औरत बैठी हो और चुप हो, असंभव। टेढ़ी में टेढ़ी हड्डी से बनी है तो टेढ़ापन तो होगा ही, लेकिन बड़े बड़ी मोहब्बत के साथ खामोशी से ये नुक्ता, वो माँ अल्लाहू अकबर जो जनवरी फरवरी की ठंडक न देखे और तुझे अपनी छाती से लगा कर दूध पिलाए, रात में जब तू बिस्तर गीला कर दे तो तेरे गीले बिस्तर को बदलने वाली तेरी माँ, तेरे लिए अपनी जवानी का बलिदान देने वाली तेरी माँ, तेरे लिए अपना तन मन धन निछावर करने वाली तेरी माँ, तुझे खुश रखने के लिए अपनी खुशी की बलि देने वाली तेरी माँ, मोहब्बत का सागर तेरी माँ, बलिदान की मूरत तेरी माँ। ऐ नौजवानों, तुम तो उसे दर्द कभी हिसाब अदा नहीं कर सकते जो बवक्ते विलादत तेरी माँ ने उठाया। इतनी बेमिसाल मोहब्बत करने वाली माँ, इसीलिए तो माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं ममता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में ममता, उर्दू में ममता, ममता या ममता कहते हैं, यानी इसी से मिसाल मोहब्बत की, इसे मोहब्बत कहना बड़ा हल्का लगता है। वो ममता का सागर, वो बलिदान की मूरत, वो मोहब्बत का समंदर। ऐ नौजवान, तुझे क्या हो गया? तू दिल्ली बंबई क्या चला गया कमाने? तेरे हाथ में चार पैसे क्या आ गए? तेरी चाल बदल गई? तू अपनी बूढ़ी माँ के एहसान को भूल गया? तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई? तूने उसके सामने अपनी माँ को धक्के मार दिया? मैं नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, ऐ किसी कमबख्त औरत की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के मारने वालों, कभी तुमने एक सेकंड के लिए सोचा कि तेरी बीवी ने तुझसे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे उसे पहनाने के लिए तेरे पास कपड़े थे, तब प्यार किया जब उसे बहलाने के लिए तेरे शरीर में ताकत थी, तब उसने प्यार किया, मगर माँ ने तो उस वक्त भी तुझे नहीं छोड़ा जब तू इतना कमजोर था कि अपने हाथ से दूध की बोतल भी नहीं उठा पापा। तू माँ को भूल गए? माँ की मोहब्बत बरम पार है मेरे दोस्तों, हम माँ से ऐसी मोहब्बत ना अपने बाप से कर सकते हैं, ना अपने भाई से कर सकते हैं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी से बोलूं अपने पीर से भी हम वैसी मोहब्बत नहीं कर सकते जैसी हम अपनी माँ से करते हैं। मगर तुझे अगर पक्का मुसलमान बनना तो अपनी माँ से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करो, तब पक्के मुसलमान बनोगे। नारे रिसालत फैजाने वालिदैन करीमैन, अशरफी दूल्हा हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, मचल के नारे जवाब दिए हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहजादा हुजूर गाजी मिल सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कब्र की तन्हाई है, नौजवान को चार कंधे पे उठा के नजर कर दिया गया, ऊपर से मिट्टी पड़ी तो कब्र में अंधेरा आ गया, अंधेरा इतना हवलनाक था कि नौजवान थरथरा गया, कपकपा गया, किसकी पनाह में जाए, किससे भीख मांगे। देखा मैंने जिस जिसको दिल दिया सबने मुझे छोड़ दिया, माँ बाप को दिल दिया उन्होंने भी छोड़ दिया, दौलत को दिल दिया उसने भी छोड़ दिया, मकान को दिल दिया उसने भी छोड़ दिया, दुकान को दिल दिया उसने भी छोड़ दिया, खेत खलियान को मैंने दिल दिया उसने भी छोड़ दिया, बीवी को दिल दिया था उसने तो सबसे पहले छोड़ दिया, जिस जिसको दिल दिया। इस कब्र में आज मेरे साथ कोई लेटने को तैयार नहीं, हद तो ये है कि मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया, वो माँ जो कभी ना छोड़ती, जिसने नौ महीना अपनी कोख में रखा था, वहां भी अंधेरा था, कब्र में भी अंधेरा है, वहां तो उसने सहारा दिया लेकिन यहाँ पे सहारा कर दिया, वो नौजवान अल्लाह से उजाले की भीख मांगने लगा, ए अल्लाह मेरी कब्र में उजाला दे दे, मौला कब्र में उजाला दे दे, कब्र में रोशनी दे दे, वो रोशनी की भीख मांग रहा था कि अचानक कब्र में उजाला होता है, एक चौधरी के चांद वाले बद्रे मुनीर चेहरे वाले मुस्तफा वहां तशरीफ फरमा, आका फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती घबरा मत, अगर तूने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है तो सुन सुन, जहां तेरी माँ तेरा साथ ना दे वहां भी मेरी रंगत तेरे साथ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया ने फैसला किया कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तभी तो हम समझ गए जो हमें कब्र में भी ना छोड़े वही जाने ईमान है, जो हश्र में भी ना छोड़े वही जाने ईमान है, जो हमें जन्नत में भी ना छोड़े वही जाने ईमान है, जो हमें दुनिया में ना छोड़े वही जाने ईमान है। अरे तुम उनकी शख्सियत को घटाने की कोशिश करते हो, मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ उनके उलूवे मर्तबत को झुकाने की कोशिश करते हो। मुस्तफा की शान तो ये है कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबरुल इस्तेकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान रहमतों पर रिजवान ने कुफर के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं बयान किया कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने फर्श पे उड़ता है भरे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा के फजा में लहरा के नारे का जाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक ए आला हजरत, मसलक ए आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस रात में भी आपने इतने जोश और जोश में छुपे हुए होश के साथ सुना, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बस मेरी इस इल्तिजा को ज़हन में रखिएगा, अभी ना सही जब आप उठें, अभी ना हो सके तो बाद में इदारे के मुहसिलीन सुफरा आपके पास जाएं, आप इस इदारे को जरूर याद रखिएगा। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि बीज यहाँ बोना है, फल जो है मुस्तफा के दर पर, ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सब को सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे रहे। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।